अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी टी वी के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन के साथ मैं लाहौर में मौजूद हूँ और अलहमरा हाल के अंदर पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो जारी है। ये 3 दिन का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको मज़ेदार खाने मिलेंगे। अगर आप अदब के शौकीन हैं, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं मज़ेदार किताबें, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी। अगर आप संगीत के शौकीन हैं, अगर आप संगीत सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएँ, आपको मज़ेदार सा संगीत यहाँ पर सुनने को मिलेगा। और हम आवाम से भी जानेंगे यहाँ पर जो मौजूद हैं कि वो इस फेस्टिवल को कैसे इन्जॉय कर रही हैं और क्या ऐसे फेस्टिवल और होने चाहिए या नहीं। जो फेस्टिवल हो रहा है, इससे कबल ये कराची में कई सालों से हो रहा है और लाहौर के लोग ये समझते थे कि इस तरह के फेस्टिवल लाहौर में इसलिए होना चाहिए क्योंकि आर्ट और अदब की तरवीज़ के लिए जितनी आज ज़रूरत है शायद आज से पहले कभी ना थी। इस तरह के फेस्टिवल बहुत ज़रूरी हैं, होने चाहिए और लाहौर में तो यूजुअली होते हैं इस तरह के, आर्ट्स काउंसिल वगैरह के होते हैं या अल्हम्ब्रा में भी होते हैं, कराची में बहुत कम होते हैं। और ये स्पेशली कराची से ही इस वक्त ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हुआ है, जबकि कराची वालों को ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है, मगर फिर भी ये कि हमें लाहौर में इस तरह के फेस्टिवल मिलते रहते हैं और होते रहने चाहिए। आज मैं लिटरेचर फेस्टिवल पे आई हूँ एंड इट्स रियली वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा है। इस तरह के और फेस्टिवल्स लाहौर में होने चाहिए बिकॉज दे इनकल्केट बेसिकली अवेयरनेस इन आर यूथ, और इस तरह के और फेस्टिवल होंगे तो हमारा यूथ पहचाने का लिटरेचर से अवेयर होगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह के फेस्ट ज़रूर होने चाहिए कि पंजाब की, पाकिस्तान की यूथ को, सिर्फ पंजाब की नहीं क्योंकि ये कराची का एक इवेंट है, उन्होंने इनकाद किया, कराची से बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी यूथ को इस तरह के इवेंट्स में इंगेज करना बहुत ज़रूरी है जिसमें उनको अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी ज़ुबान के बारे में पता चले और उनको वो शायर, वो अदीब जिनसे बहुत दूर हो गए हैं हम लोग, कॉलोनाइज माइंड सेट है एक हमारा, उससे हम निकल के एक अपने पहचान करें, अपने कल्चर की पहचान करें। नहीं, प्रोग्राम तो ऐसे होने चाहिए और हमारे लाहौर में तो होते हैं, अभी फैस का आ जाएगा अगले हफ्ते और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, म्यूज़िक चल रही है, फूड कोर्ट है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा फेस्टिवल है और ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए क्योंकि ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिससे लोगों में एक तहरीक पैदा होती है, एक खुशी आती है। और मेरा ख्याल है कि ये आजकल जो एक माहौल चल रहा है कि कभी कोई महंगाई की वजह से परेशान है, कोई सियासी एटमॉस्फेयर की वजह से परेशान है, तो चलो इस तरह की ज़रा एक अच्छा फंक्शन हो गया, इसमें लोग आके थोड़ा खुशी फील करते हैं। इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में होने चाहिए। अगर हर शहर में नहीं हो सकते तो कम अज़ कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे ज़रूर होने चाहिए। सारा दिन लोगों को परेशानियाँ हैं, महंगाई का इशूज़ हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, हालात ख़राब हैं, लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो इस तरह का माहौल जो है वो सारी चीज़ें बुला के इंसान एंटरटेनमेंट के माहौल में निकलता है। सारे कॉलेज के, स्कूलों के, मुख्तलिफ शहरों के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और सब अपने अपने कल्चर से के हिसाब से इधर आए हुए हैं और बड़ा अच्छा मेले का समय है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और इस तरह के प्रोग्राम मेरे ख्याल से होने चाहिए। कि जितना भी आज काम हो रहा है उसको पढ़ा भी जाए, उसको समझा भी जाए, ताकि ऐसी ज़िंदगी तख्लीक पाए, ऐसी कौम तख्लीक पाए कि जिसको देखते हुए दुनिया की कौमें जो हैं उनमें हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद हो। कि इस वक्त आईटी, कंप्यूटर, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इस साइट पे लोग नहीं आ रहे, टिकटॉक बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, सारा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं मगर उस सोशल मीडिया को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। और मेरा मैसेज अपने दोस्तों के लिए यही है कि हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह भी उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो अपने दो जो उसके इंसानों में आसानियाँ और खुशियाँ तकसीम करते हैं।